चार महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ गई है। बीजेपी अपने पिछले रिकॉर्ड को दोहराने की कवायद में जुटी है, तो विपक्षी दल सत्ता में वापसी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। 2022 की चुनावी शहमात के बीच समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखने वाले मुलायम सिंह यादव के सहारे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए अलग अलग रथ पर सवार हो रहे हैं। चाचा भतीजे दोनों ही मुलायम सिंह की तस्वीर के साथ चुनावी रथ यात्रा पर सवार हो रहे हैं। देखना है कि सूबे में कौन मुलायम का असल सियासी वारिस बनकर उभरता है। समाजवादी पार्टी से अलग होकर भी अपनी अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना चुके शिवपाल यादव अभी अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव से दूरी नहीं बना सके हैं। राजनीति में शिवपाल एकलव्य की तरह कदम बढ़ाते हुए बड़े भाई को गुरु द्रोणाचार्य मानकर परिवर्तन रथ में मुलायम की फोटो लगाकर अपने मिशन का आगाज कर रहे हैं। प्रदेश में दो बार क्रांति रथ निकाल चुके मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चलते हुए शिवपाल यादव ने भी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और पूजा अर्चना करके शुरुआत की है। शिवपाल यादव रथ यात्रा ब्रज क्षेत्र मथुरा से होते हुए आगरा, इटावा, औरैया, कानपुर, देहात, झांसी, महोबा, फतेहपुर होते हुए प्रयागराज जाएंगे। इसके बाद आखिरी चरण 27 नवंबर को रायबरेली में खत्म होगी। शिवपाल यादव कह चुके हैं कि सपा के साथ समझौते का इंतजार खत्म हुआ और अब महाभारत होगा। प्रदेश महासचिव अलका सिंह ने हमसे बात करते बोला कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की अहम भूमिका होगी। सामाजिक परिवर्तन यात्रा एक तरह से धर्मयुद्ध है, जिसमें पांडवों ने 5 गांव मांगे थे। कौरव ने पांडवों को 1 इंच जमीन देने से इनकार कर दिया था। एक तरह से साफ है कि शिवपाल अपनी सियासी जमीन खुद तैयार करने के लिए रणभूमि में उतर गए हैं। तो उधर दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने पिता मुलायम सिंह से आशीर्वाद लेकर समाजवादी विजय रथ यात्रा मंगलवार को कानपुर से शुरू कर रहे हैं, जो कानपुर और बुंदेलखंड के 4 जिलों से होकर गुजरेगी। सपा के रथ पर मुलायम सिंह की बड़ी तस्वीर लगाई गई है। मुलायम सिंह के साथ साथ अखिलेश ने आजम खान का भी फोटो लगाया है। यात्रा से एक दिन पहले पार्टी ने 17 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें अखिलेश अपने पिता मुलायम सिंह यादव से बात करते और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। सपा पर पूरी तरह काबिज होकर अखिलेश खुद को मुलायम के सियासी वारिस के तौर पर स्थापित करने में काफी हद तक सफल रहे हैं, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के साथ साथ सपा के सियासी भविष्य को भी तय करने वाला है। 2017 में सत्ता गंवाने और 2019 में परंपरागत सीटें हार के बाद अखिलेश के सामने पिता की सियासी विरासत को बचाए रखने की चुनौती है। 2022 के सियासी चुनौतियों के बीच जब चाचा भतीजे को एकजुट होकर चुनावी रण में उतरना चाहिए था, तब मुलायम के आंगन से दो रथ निकल रहे हैं। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अपने अपने सियासी माहौल बनाने और राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए रथ यात्रा पर निकल रहे हैं। ऐसे में भले ही दोनों एक दूसरे पर सियासी निशाना ना साधें, लेकिन मुलायम के राजनीतिक आधार पर दोनों ही अपने अपने साथ साधने की कवायद करते जरूर नजर आएंगे। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुलायम परिवार में झगड़े के बाद अखिलेश यादव के सपा के साथ शिवपाल यादव ने अपना नाता तोड़ लिया था। शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें कोई खास कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन कई सीटों पर उन्होंने अपने भतीजे अखिलेश के उम्मीदवारों का खेल जरूर खराब कर दिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि चाचा भतीजे में सियासी गठजोड़ हो सकता है, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी। 2022 चुनाव में गठबंधन और चुनावी समझौते की तस्वीर क्या होगी अभी तय नहीं है, लेकिन अखिलेश और शिवपाल यादव रथ यात्रा पर निकलने का फैसला कर लिया है। ऐसे में अब चाचा भतीजे दोनों ही सूबे में अपना अपना सियासी माहौल बनाने के लिए उतर रहे हैं। देखना है कि कौन कितना सियासी असर दिखाता है। हम लोग अगर हमारा अलायंस होता है तो हम जो सीटें हमारे हिस्से में आएंगी उसके साथ लड़ेंगे, नहीं तो हम छोटे दलों को लेकर 4-3 सीट पे लड़ेंगे। और कहीं जहाँ तक बात की आपका एक सवाल था, मैंने कहा था कितनी सीटों पर लड़ेंगे, 4-3 सीट पे हम लड़ेंगे। अगर हमारा अलायंस नहीं होता है तो हम छोटे दलों को लेकर 4-3 सीट पे लड़ेंगे। अगर अलायंस
होता है तो जो सीट हमारे हिस्से आई थी हम उस पर। आप इस बार क्या मानते हैं कि इस बार बीजेपी का सफाया यूपी से? देखिए, हम दूसरों के लक्ष्य को लेकर नहीं चले हैं। हमारा काम है, हम बच्चे हैं, हमारा काम है समाज को बदलना। हम समाज में बदलाव लाएंगे, हम अपने इरादे अपने एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा हमारा मुद्दा क्या है, तो हमारा मुद्दा है बेरोजगारों को रोजगार देना। अगर हमारी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार में शामिल होती है तो पहला मुद्दा है हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार दें, इवन हर घर से एक बेरोजगार को हम रोजगार दें। किसानों के साथ हम न्याय करें, जो भी किसानों के मूल्य है उनका अपने कितना उनका मूल्य कम है उसको हम मूल्य को बढ़ाएँ। किसान, नौजवान और जवान, इन तीनों के लिए हमें सबसे पहले काम। महंगाई और GDP लगातार जो घटे में जा रही है, उस मुद्दे को आप किस नज़र से देखिए? देखिए, जो हो रहा है आप सब लोग जानते हैं कि GDP और इन सब चीज़ों से कहाँ चली गई है, हमारे देखिए देश की क्या हालत थी और आज कहाँ चला गया है। तो इन सब का सुधार होगा जब हम अपनी सरकार बनाएंगे। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी चुनौती के तरीके से सामने खड़ा हुआ कोरोना, हालांकि मौजूदा सरकारें उस पर काम कर रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी चाहूँगा, आप उसे किस हद तक सफल पाते हैं, सरकार को किस हद तक मानते हैं कि सरकार उसमें सफल है? देखिए, कोरोना के लिए जो लहर चली थी उसमें मैं यही कहूँगी कि ये एक आपदा थी, दैवीय आपदा थी, इस पर किसी का वश नहीं था। स्टार्टिंग में सरकार ने लचीला रवैया अपनाया था, बाद में जो कुछ भी है वो सब आप लोगों के सामने है। हम लोगों ने कोरोना में भी हम लोग शांत नहीं बैठे, हमारे नेता ने हमारी पार्टी ने कोरोना में भी हम लोग जनता के बीच रहे, जनता की जितनी मदद हो पाई हम लोगों ने किया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने आज वृंदावन से चुनावी उद्घोष कर दिया है और मिशन 2022 को लेकर शिवपाल यादव जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, वो आज वृंदावन की सरजमीन पर पहुँचे हैं। वहाँ के विहारी दर्शन के बाद उनकी जनसभा होनी है और जनसभा के बाद वो अपनी रथ यात्रा लेकर आगरा की तरफ पहुंच करेंगे। द्वारकेश वर्मन, आज की खबर, मथुरा।